नमस्कार दोस्तों, रामायण में हनुमान, राम और लक्ष्मण की विशेषता और रामचरित्र के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन रामायण के अंतर्गत मेघनाथ यानी कि रावण के बेटे और रावण के भाई यानी कुंभकर्ण और विभीषण के बारे में भी विशेषता बताई गई है। लेकिन रामायण में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि मेघनाथ के नाम यानी कि मेघनाथ का नाम मेघनाथ कैसे पड़ा, जानिए इस वीडियो के दौरान। हमेशा देखा जाता है कि जब भी कोई शिशु पैदा होता है तो वह बच्चा सबसे पहले रोता है, लेकिन मेघनाथ के साथ उस समय उल्टा हुआ था। जब मेघनाथ पैदा हुए थे तो उस समय वह रोए नहीं, मेघनाथ के मुंह से बिजली की आवाज निकलने की वजह से उसका नाम मेघनाथ पड़ा और रावण भी उन्हें बहुत ज्यादा चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे यत्न भी किए थे उन्हें प्रारने के लिए। हमेशा देखा जाता है कि रामचरितमानस में हनुमान, राम और लक्ष्मण ने जिस समय युद्ध किया था तो युद्ध के समय मेघनाथ भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था यानी कि भाग लिया था, और जिसमें युद्ध करने के दौरान पर सबसे पहले मुलाकात हनुमान की हुई थी, और हनुमान की मुलाकात होने की वजह से विभीषण ने अपना पाला बदल लिया था। सभी जानते हैं कि विभीषण रावण का साथ ना देकर राम के साथ मिल गए थे, और विभीषण ने ही राज खोला था कि रावण का अंत कैसे होगा, वरना राम को नहीं पता था कि रावण कैसे मरेगा। सभी जानते हैं कि मेघनाथ बहुत ज्यादा प्रिय माना जाता है रावण का। मेघनाथ इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि राम का अवतार नारायण का ही अवतार माना जाता है, और इस बात के लिए उसने अपने पिता यानी कि रावण से भी इस बात पर चर्चा की कि राम से वह ज्यादा उलझे ना, उनकी सीता उन्हें वापस कर दे। लेकिन रावण अपने क्रोध में आकर उसी मेघनाथ को समझाने लगा और मेघनाथ को भी उनका कहना मानना पड़ा। पिता होने की वजह से और उनके पुत्र की वजह से उनकी मजबूरी थी, और उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम इस युद्ध में भाग लेंगे, मैं इस युद्ध में चाहे मरूं चाहे जिंदा रहूं, मैं लेकिन वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। और जैसे ही मेघनाथ इस युद्ध में उतरे तो उस समय लक्ष्मण ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, उन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से इस रामायण में मेघनाथ का पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मेघनाथ का नाम उनके पिता ने इसीलिए ही मेघनाथ रखा था। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।